तो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज मेरे कमेंट चैनल पे एक कमेंट आया था जगदीश नाथ का, जिनका कंप्यूटर गर्म होके थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। तो ये जो समस्या है, मैंने सोचा आप सभी लोगों के लिए आ रहे हो तो एक वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपके बहुत काम आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्केप मत करें। तो कोई भी स्टेप है वो आप छोड़ दोगे तो फिर आप पूरा है उस चीज़ को जान नहीं पाओगे। तो चलिए सीखते हैं। होता क्या है, आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रही होगी जहाँ पे फ़ैन है, बोर्ड के अंदर मदरबोर्ड की फ़ोटो दिख रही होगी, फ़ैन होता है। वो फ़ैन या तो चल नहीं पाता है या उसका वायर सही ढंग से कनेक्टेड नहीं होता है। यदि आपका फ़ैन सही ढंग से चल रहा है फिर भी गर्म होकर कुछ देर बंद हो जाता है, तो आपकी जो फैन जो कंप्यूटर की प्रोसेसर है उस पर पेस्ट है वो सूख गया होगा, उस पेस्ट को हमें लगाना पड़ता है। पेस्ट को कैसे लगाते हैं, तो आइए हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उस पर पेस्ट कैसे लगाते हैं। तो पेस्ट आप खुद लगा घर पे लगा पाओ तो ठीक है, वरना शॉप पे जाना ही है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से शॉप पे नहीं जा पाते हो तो आप आसानी से अपने घर पे वो पेस्ट लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, ये है वो फ़ैन है, इसके नीचे प्रोसेसर लगा होता है, वो गर्म हो जाता है, इसके वजह से कंप्यूटर वो बंद हो जाता है। तो ये जो CPU है काफ़ी पुराना है, इसलिए यहाँ पे जो स्क्रू लगे हुए हैं इसलिए हमें एक पेचकस चाहिए। और आज के जो नए CPU आ रहे हैं उनके अंदर सीधा लॉक सिस्टम होता है, आप लॉक से भी खोल सकते हो। यदि आपका नया कंप्यूटर है गर्म हो रहा है आप उसको खोल रहे हो तो उसके अंदर लॉक सिस्टम आएगा, प्लास्टिक के लॉक होते हैं। तो चलो मैं इसको आपको खोल के बताता हूँ और क्या करना है, पेस्ट कहाँ पर लगाना है। तो वीडियो को देखते रहे, बीच में स्केप मत करें। पेचकस से आप आराम से इसको खोल लेना है दोनों साइड से। फिर इस जो लॉक लगे हुए हैं ना इनको हटा लेना है साइड में खुलने के बाद में। ये देखिए हट गई साइड में। फिर इस फैन को उठा लेना है। तो खोलने से पहले आप लोग इस वायर को देख लेना आराम से, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो वायर लगा हुआ है वो फैन से देखो ऐसे कनेक्टेड है। तो पहले ये देख लेना ये कनेक्टेड है कि नहीं। यदि ये जुड़ा हुआ है तो फिर आपको पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है तब। यदि जुड़ा हुआ है तब आपको पेस्ट लगाना है। तब जैसे आप उसको खोलोगे तो नीचे देखो आपको एक प्रोसेसर लगा हुआ मिलेगा। थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो सबको नज़र आ गया होगा। तो अब आपको सिंपली करना क्या है, इस प्रोसेसर के ऊपर पेस्ट लगा देना है, निकालना नहीं है पेस्ट। क्योंकि ये जो आप प्रोसेसर निकालोगे तो जो इसकी संरचना होती है काफ़ी जटिल संरचना होती है, ठीक है। तो आप घर पे इसको मत निकालना, यदि आप चाहते हो तो मैं आपको निकाल एक बार चेक करा देता हूँ, लेकिन आप मत निकालना घर पे, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है प्रोसेसर की वो बहुत ही जटिल होती है। दिख रही होगी आपको, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। तो आप वापस नहीं लगा पाओगे, यदि लगा पाते हो तो निकाल लेना, वरना आप सीधे डायरेक्ट इसके ऊपर क्या करते हो, पेस्ट लगा सकते हो। और पेस्ट लगाने के बाद जैसे जो प्रोसेसर वापस जैसा किया है वैसा का वैसा आपको उसके ऊपर फ़ैन है वो लगाना है। फ़ैन लगाने के बाद जो लॉक है वो वापस उसके ऊपर सेट करने हैं और इसको आराम से जो स्क्रू है वो उसको टाइट कर देने हैं। जैसे आप इनको वापस टाइट करोगे पेस्ट लगा के और फिर आप अपना जो CPU है वो चलाओगे तो जी इतना हिट नहीं करेगा जितना पहले जो कर रहा था उस टाइप से। और बहुत ही आसानी से हीट के साथ साथ आपको जो कंप्यूटर की स्पीड है वो भी आपको बहुत ही बेस्ट स्पीड मिलेगी। और मैंने CPU खोल ही लिया है तो कुछ जानकारी आपको और बता देता हूँ। जैसे ये RAM होती है, जूम करके दिखाता हूँ आपको, आप बहुत ही आसानी से देख लेना। ये कंप्यूटर के अंदर RAM होती है और यदि कई बार कंप्यूटर के अंदर ऑन नहीं हो रहा है या उसके अंदर अलार्म बज रहा है, बोर्ड के अंदर बीन टाइप की ट्यून आ रही है, तब आप RAM एक बार निकाल के वापस अंदर डाल देना तो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे लगी हुई है हार्ड डिस्क और ये जो पूरा होता है ये मदरबोर्ड होता है। कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को, तो आप ऐसे आसानी से आराम से पेस्ट है वो लगा सकते हो और आपका जो कंप्यूटर है वो गर्म भी नहीं होगा और जो प्रोसेसर की स्पीड है वो भी बेस्ट स्पीड मिलेगी आपको। तो वीडियो आप पूरा देख लेते हो, सब्सक्राइब चैनल को करते नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करो चैनल को। तो आगे भी ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।